नीलम लक्ष्मी को घर से बाहर धक्के मार के निकाल देने वाली है। चलिए आपको बता दूं, सीरियल भाग्य लक्ष्मी में आपको क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है। आज आपको देखने को मिलेगा कि मलिष्का यहाँ पे नीलम के पास आएगी और नीलम से बताने वाली है कि पंडित बद्रीनाथ जैसे बड़े पंडित को मैंने बुलाया है। उन्होंने बताया है कि जो कुछ भी ऋषि की ज़िंदगी में हो रहा है वो सब कुछ लक्ष्मी की वजह से हो रहा है। लक्ष्मी यहाँ पर ऋषि की ज़िंदगी में कोई ढाल नहीं बन रही है, बल्कि उल्टा उसके लिए काल बन रही है। आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी के कुंडली में क्या कुछ है और वहाँ पे नीलम को इस बात में यकीन नहीं होने वाला है और नीलम कहेगी कि इतने बड़े पंडित बद्रीनाथ ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हैं। तभी वहाँ पे वो बताएगी कि हाँ उनसे गलती हुई है, अगर आपको विश्वास नहीं होता पंडित जी से बात कर लीजिए। वहीं पे देखेंगे मलिष्का बड़े पंडित को घर में लेके आने वाली है। सारे घर वालों के सामने वो पंडित बताएगा जो कुछ मलिष्का ने उन्हें बोलने के लिए बोला होता है। वो बताते हैं कि लक्ष्मी की कुंडली में शनि का दोष चल रहा है और उस दोष की वजह से ऋषि की कुंडली में जो मार्केश दोष है वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो रहा है और बार बार ऋषि की ज़िंदगी में कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा है। तभी वो बताते हैं कि जब से लक्ष्मी के साथ उनकी शादी हुई है तब से आप देख सकते हैं 4-5 बार ऐसा हो चुका है कि ऋषि की जान जो है बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ चुकी है। और वहाँ वो पंडित ये सारी बात घर वालों के सामने बताएंगे। तभी नीलम कहती है ठीक है, मैं पंडित बद्रीनाथ से एक बार ज़रूर बात करना चाहूँगी। तभी वो पंडित बद्रीनाथ को फ़ोन करके बुलाने वाली है और कहने वाली है कि आप जल्दी से हमारे घर आ जाए, हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वहीं पर देखेंगे कि लक्ष्मी भी अब बस घर में पहुँचने वाली होती है। जैसे लक्ष्मी घर के अंदर आएगी वहीं पे नीलम उसे कहेगी कि इस घर में तुम कदम नहीं रखोगी। वहीं पे लक्ष्मी उनसे माफ़ी मांगेगी और बोलेगी कि मम्मी जी प्लीज़ मुझे इस घर में आने दीजिए, मुझे बस इस घर में रहना है, मुझे ऋषि के साथ रहना है क्योंकि ऋषि को मेरी बहुत ज़रूरत है। लेकिन नीलम उसे मना कर देगी और बोलेगी लेकिन हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और नीलम उसे मना करेगी। पर लक्ष्मी यहाँ पर कोई बात नहीं सुनने वाली है और ज़बरदस्ती घर के अंदर आ ही जाएगी। ये देख कर नीलम को आने वाला है बहुत ज़्यादा गुस्सा। नीलम आगे बढ़ेगी और लक्ष्मी का हाथ पकड़ के उसे खींच के घर के बाहर धक्के मार के निकाल देने वाली है।